स्वागत है दोस्तों एंटरटेनमेंट विकिपीडिया चैनल में। और आज हम बात करने वाले डीसी के अननोन फैक्ट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट टू है इस वीडियो का। इसके पहले मैंने एक वीडियो और बना चुका हूँ, आई बटन पे क्लिक कीजिए, वो वीडियो जाके देख लीजिए। ये वीडियो भी देखिए ताकि आपको बहुत ही ज्यादा डीसी के अननोन फैक्ट्स पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा ग्रीन एरो से रिलेटेड फैक्ट। ग्रीन एरो का सबसे पसंदीदा फूड है स्पाइसी चिली, यानी बहुत ही ज्यादा तीखा खाना या फिर मिर्च मसाला वाले जो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी फूड होते हैं वो खाना। तो ये डीसी कॉमिक्स का ऐसा सुपर हीरो है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खा सकता है। बाकी कोई सुपर हीरो खा सकते हैं बट बिना चिल्लाए है बिना डरे नहीं खा सकते। इसका स्पाइसी फूड ही बताया गया है स्पेशल वेंजेंस। और ऊपर से बैटमैन और ग्रीन एरो ये ऐसे खाते हैं इस चिली को मानो जैसे ये शक्कर या गुड़ खा रहे हो, और बिना चिल्लाए बिना डरे इस चीज़ को वो लोग खा लेते हैं। ये है सबसे पहला फैक्ट। सेकेंड फैक्ट है डीसी कॉमिक्स का नाम आखिरकार क्या है। डीसी क्या है अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में अभी जाके लिखो, अभी बता देता हूँ। डीसी कॉमिक का नाम है डीसी कॉमिक्स कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, डीसी कॉमिक्स का ओवरऑल नाम है डीसी कॉमिक्स कॉमिक्स। और इसका पहले ये डिटेक्टिव कॉमिक्स कॉमिक्स लिखा गया था पूरा का पूरा नाम, बट आगे चल के उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया एज अ डीसी कॉमिक्स में। आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि सेकेंड अपडेट है हमारा। थर्ड अपडेट यहाँ पे जोकर को सेकेंड कॉमिक्स के बाद मार देना चाहते थे डीसी कॉमिक्स, बट जो विटनी एल्सवर्थ है उन्होंने इस कैरेक्टर में स्कोप देखा और सोचा कि ये आगे जाके बहुत ही बड़ा विलन बन सकता है, तो उन्होंने इसको आगे जाके कंटिन्यू रखा गया। डीसी ने उनका ये मानना एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली ये बहुत ही बड़े लेवल पे हमें दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ फैक्ट की तरफ जो कि है स्नोफ्लेम नाम से एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जो कि सुपर हीरो था डीसी कैरेक्टर में, जिसके पास सुपर पावर्स तो थी बट उसकी सुपर पावर्स ऐसी नहीं इनहांस होती थी। वो अगर ड्रग या कोकेन लेता है यानी एक प्रकार से अल्कोहलिक हो जाता है तो उसके बाद उसकी सुपर पावर्स उसके अंदर आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक बीम बन जाता है। तो इसका नाम था स्नोफ्लेम। आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। ड्रैनी द स्ट्रीट नाम से एक उन्होंने सुपर हीरो रिलीज किया जो कि टेलीपोर्टेशन कर सकता था, कोई सी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता था, साथ ही साथ वो इस डायमेंशन से उस डायमेंशन में भी जा सकता था, पास्ट में भी जा सकता था और प्रेजेंट में भी वो लोग ट्रैवल कर सकता था। तो उसने क्या किया, उसने एक रास्ता चुना अपना, जो समाज से निकाले हुए लोग हैं उनको इंटरटेन करने के लिए उसने ड्रैग नाम से एक शो चलाया जो कि वो ट्रैवल करता था दुनिया भर में, ऐसा बोल सकते हैं दुनिया भर में भी अलग अलग डायमेंशन में भी ट्रैवल करता था और उन लोग को उस शो से एंटरटेन करता था। तो बस यही है पांच अननोन फैक्ट्स डीसी के जो आपको पता नहीं होंगे तो नीचे कमेंट करके लिखो कि ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे पता था। सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और एक वीडियो लाऊंगा मैं डीसी के अननोन फैक्ट्स के बारे में, मैं शायद से 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा इस पर। पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो बस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए एंटरटेनमेंट विकिपीडिया चैनल को, लाइक और शेयर करना ना भूलें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।